विश्व सहित भारत देश भी अब कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। लोगों के अंदर कोरोना को लेकर भय भी व्याप्त है। एहतियात के तौर पर अनूपपुर जिला कलेक्टर व बीएमओ ने निम्न जानकारी आमजन के लिए प्रदान की। कोरोना वायरस को लेकर केवल समूचे विश्व में ही नहीं अपने देश में भी अब लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर व्यक्ति को, हर आम लोगों को उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। और प्राथमिक उपयोग, हम कैसे बचें, किस चीज़ से दूर रहें, इस चीज़ की आवश्यकता की जानकारी उन्हें होना बहुत आवश्यक है। इसी संबंध में हमने विगत दिनों कोतमा स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ से इस संबंध में चर्चा की। सर, पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी जद्दोजहद है, लोगों के अंदर काफ़ी भय है। हालांकि अपना मध्य प्रदेश अभी इतने अछूता है, लेकिन बहुत सारी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। तो यदि किसी मरीजों को अपन कोई संदेश देना चाहें तो प्राथमिक रूप से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल वो डरे ना, और एहतियात के तौर पे अपने को ध्यान रखना है कि अभी ऐसे जगह जहाँ पे इनके केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के, उन जगह पे ट्रेवलिंग से बचें। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान रखें, इसमें जितने बार हो सके अपने हाथ का साबुन से धोएं, और एल्कोहल बेस जो हैंड वॉश आते हैं उसके इस्तेमाल करें। शरीर के अपने हाथों से चेहरे को, आँख को, नाक को छूने से बचें। मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर किसी को खांसी, सर्दी खांसी वगैरह है तो उनसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। यदि मान लीजिए अपने यहाँ कोई ऐसा संक्रमित मरीज यहाँ पर आता है तो उसके जांच के लिए क्या अपने यहाँ कोई सुविधा है? हालांकि अपने पास नहीं है, अगर ऐसा केस आता है तो जिला लेवल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिस तरह से लक्षण वाले मरीज अगर आते हैं तो हम उसको जिला के लेवल पर भेज देंगे, और वहाँ पर 14 दिन तक हम उसको आइसोलेशन वार्ड में निगरानी पर रखेंगे। पीछे ये फिंगर्स के बीच में, फिर ये नाखूनों को इसके साथ ऐसे रगड़ना, फिर ये अंगूठे को इस तरह से साफ करना, और फिर हाथ को ऐसे पूरा, ताकि ये सब जगह से जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कीटाणु हमारे नाखूनों में रहते हैं, तो हैंड वॉश इतना ही।